नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस जबरदस्त वीडियो के अंदर। 6 बेसिक नीड्स है इंसान की, 6 बेसिक नीड्स है सफल होने के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अल्ट्रा सफल होना चाहते हैं, सबसे अलग बनना चाहते हैं, तो मित्रों आज से काम 6 काम पर आपको ध्यान देना है। आपको ये बेसिक साइकोलॉजी इंसान के बारे में पता होना चाहिए, इंसान के इस बेसिक नेचर के बारे में। ये सबसे पहले जो होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, सॉरी पहले आता है सर्टेनिटी। इंसान जो है पहले सर्टेनिटी के बारे में सोचता है। सर्टेनिटी यानी एक बार अपना उसका इनकम फिक्स होना चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसको मिलना चाहिए, जो चाहता है भाषा में सुरक्षा। इंसान पहले डबल, इंसान पहले सुरक्षा की तलाश में रहेगा, सुरक्षा उसको चुनी, पहले वो सुरक्षित होना चाहता है। फिर दूसरा जो आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है थोड़ा सा उसको लाइफ में अनसर्टेनिटी चाहिए, थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, इसीलिए तो वो एम्यूजमेंट पार्क में जाता है, इसीलिए तो मोबाइल में रील देखता है, इसीलिए तो वो पिक्चर देखने जाता है, इसीलिए तो वो चाहता है कुछ नया एक्साइटमेंट हासिल करना, एडवेंचर पे जाता है, छुट्टियों पर जाता है, ट्रैकिंग करने जाता है, घूमने जाता है। सेकंड नंबर पे आता है इंसान अनसर्टेनिटी चाहता है कुछ चीज़ों में, इंसान अनसर्टेनिटी चाहता है कुछ चीज़ों में। तीसरे नंबर पे आता है अपनी पहचान बनाना, इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है, इसीलिए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, इसलिए तो किताब लिखता है, इसलिए तो डिग्री हासिल करता है, इसीलिए तो नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, इसीलिए तो नाम के आगे बड़े बड़े अवार्डीज के नाम लेता है, इसीलिए तो वो सेलिब्रिटी के साथ फोटो निकालता है, इसीलिए तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है, इसलिए तो एप्पल जैसी मोबाइल जिसका GDP भारत के टोटल इनकम के भारत के जिसका इनकम भारत के GDP कितना है, सिग्निफिकेंट। इंसान सिग्निफिकेंट चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, अपना पहचान बनाना चाहता है, अपने नाम और पहचान बनाना चाहता है। तो पहले सर्टेनिटी हमने देखी, सर्टेनिटी सुरक्षा, दूसरा है एडवेंचर, तीसरा है पहचान, चौथे पे आता है लव एंड कनेक्शन। इंसान लोगों से मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, बचपन से लेकर आखिरी तक आप जीवन के आखिरी हिस्से तक वो साथ चाहता है, किसी न किसी का साथ चाहता है, वो दोस्त बनाता है, सोसाइटी ज्वाइन करता है, फ्रेंड फेसबुक पर जाकर यहाँ वहाँ वो फ्रेंड बनाता है, लोगों से मिलता है, स्कूल के दोस्तों से मिलता है, कॉलेज के दोस्तों से मिलता है, जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे लोगों से मिलता है, तो वो क्या करता है, लव एंड कनेक्शन, अपने भाई से मिलता है, बहन से मिलता है, माता पिता से मिलता है, लव एंड कनेक्शन बनाता है। सबसे पहले सुरक्षा, एडवेंचर, पहचान और फिर लव एंड कनेक्शन। मित्रों ये चार के अलावा दो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रोइंग। आपको अपने लाइफ में ग्रो होना है, साहब इंसान की बेसिक नीड है, लेकिन वो भूल जा रहा है, जब वो कंफर्टेबल जोन में आता है तो ग्रोइंग करना छोड़ देता है। आज हमारे बीच में रतन टाटा साहब नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ग्रो किए। जो छठवां नंबर का पॉइंट था, उन्होंने सिर्फ ग्रो नहीं किया मित्रों, उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया। तो 5 नंबर पर आता है ग्रोइंग और 6 नंबर पर आता है कंट्रीब्यूशन। आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रोइंग होना है, हमेशा बढ़ते रहना, ये काम के बाद वो काम, रोज़ अपने हॉबीज़ को, नए नए टैलेंट को आपको जगह देना है, कुछ नई खोज करनी है, अपनी खुद की खोज करनी है, नए नए कंट्रीब्यूशन करना है। तो जब आप ग्रोइंग करेंगे तो आप 6वें नंबर पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, आपको कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप अपने आप लोगों के बीच में आपकी पहचान होने लगती है। मेरे एक स्टूडेंट ने अभी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, मोर देन 25,000 उसने कुछ दिया है स्पॉन्सर के लिए, 25,000 दिया है। मुझे जब पता चला कि उसने इतना अच्छा किया, तो क्योंकि वो आ गया कितने नंबर पे, वो आ गया 6वें नंबर पे। उसने अपने आप को पहले सर्टन बनाया, अनसर्टन बनाया, उसके बाद फिर उसने सिग्निफिकेंट पहचान बनाई, फिर उसके बाद उसने लव एंड कनेक्शन बनाया, और अब वो ग्रोइंग और कंट्रीब्यूशन इस स्टेज पर है। उसने अपना खुद का घर ले लिया, उसने कंपनी को ग्रो कर लिया है, उसके बाद उसने फिर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, स्पॉन्सर दे रहा है एक संस्था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में 4 चीज़ नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी के ये 2 चीज़ को याद रखना, ग्रोइंग एंड कंट्रीब्यूशन। आपको देना है, जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना आपका पहचान बनेगा, उतना नाम होगा समाज में। और मित्रों आखिरी में, जैसे मैंने कहा कि आपको आखिरी में बोनस पॉइंट है, हमेशा ग्रैटिट्यूड मिलती है। इंसान की फितरत वो हमेशा मानता रहता है, लेकिन आज एक नई चीज़ को आप जान लीजिएगा, धन्यवाद देना शुरू कीजिएगा। मैंने हर बड़े आदमी को देखा, हर सफल इंसान को देखा, हर एक ऐसे सफल व्यक्तित्व को देखा हूँ जिसने हर चीज़ के लिए धन्यवाद दिया। उसके पास मुसीबत आई ना, मुसीबत को भी धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, और ज़िंदगी के बहुत बड़े स्टेज पर होते हैं। तो मित्रों ये कुछ बातें थी, 6 पॉइंट प्लस 7 पॉइंट मैंने जो आपको दिया है, ये इंसान को ग्रो करेगी, सफल बनाएगी और आगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।